लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए। 2 महीने पहले कांग्रेस छोड़ने वाले नईमबई दीघा के दर्जनों उत्तर भारतीय पदाधिकारियों ने आज बीजेपी में प्रवेश कर लिया। पूर्व मंत्री विधायक गणेश नाइक ने इन्हें बीजेपी का झंडा थमाकर पार्टी में प्रवेश कराया। असल में कांग्रेस के 23 पदाधिकारियों ने 2 महीने पहले स्थानीय नेताओं पर उपेक्षा का आरोप लगाते हुए पार्टी छोड़ दिया था। आज इन्हें भाजपा में शामिल कराने के बाद विधायक गणेश नाइक ने भरोसा दिलाया कि उन्हें बीजेपी में अपेक्षित सहयोग और सम्मान दोनों मिलेगा। इस अवसर पर पूर्व विधायक संदीप नाइक और वरिष्ठ नेता दशरथ भगत खास तौर पर मौजूद थे। देखिए रिपोर्ट। नई मुंबई कांग्रेस पक्ष ने हमेशा दीघा को दुर्लक्ष किया। कांग्रेस के नई मुंबई के जो लीडर्स हैं, उनका तरफ से कोई भी काम नहीं किया जा रहा है कार्यकर्ता के लिए या लोगों के लिए। कांग्रेस आमच्या स्थानिक नेतृत्वाला आमची कदर राहिलेली नाही। नई मुंबई कांग्रेस को राम राम बोलकर 2 महीने पहले पार्टी छोड़ने वाले दीघा के उत्तर भारतीय कांग्रेस पदाधिकारियों ने आज बीजेपी का दामन थाम लिया। इनमें दुर्गविजय पाल, त्रियुगी तिवारी, बीआर सावले, सोमवीर ईसाई, धनंजय सिंह, भरत पांडे, अनीता कोहली, प्रभा मिश्रा, जयप्रकाश यादव, बाला साहब कांबले का नाम शामिल है, जिन्हें विधायक गणेश नाइक ने बीजेपी का झंडा थमाकर पार्टी में प्रवेश कराया। असल में ये सारे कांग्रेस कार्यकर्ता तत्कालीन कांग्रेस जिलाध्यक्ष दशरथ भगत के समर्थक हैं और उनके पार्टी छोड़ने के बाद लगातार उपेक्षित हो रहे थे। पूर्व मंत्री गणेश नाइक ने उन्हें पार्टी में शामिल कराने के बाद विश्वास जताया कि उत्तर भारतीय पदाधिकारियों के आने से दीघा में बीजेपी की ताकत और बढ़ेगी। बताना जरूरी है कि अब भाजपाई हो चुके इन कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस छोड़ते समय स्थानीय नेताओं द्वारा अपेक्षित सम्मान और सहयोग नहीं मिलने का आरोप लगाया था। अब देखना होगा कि बीजेपी इन नए उत्तर भारतीय कार्यकर्ताओं को कितना सम्मान और सहयोग देती है। वैसे नई मुंबई का इतिहास गवाह रहा है कि पार्टी चाहे कोई भी हो, उत्तर भारतीय कार्यकर्ताओं का इस्तेमाल सिर्फ झंडा उठाने के लिए ही होता रहा है। हालांकि बीजेपी नेताओं ने आज भरोसा दिलाया कि दुर्गविजय पाल, त्रियुगी तिवारी और उनके सहयोगियों को भाजपा सहयोग और अपेक्षित सम्मान जरूर देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी वन इंडिया।